हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल लिरिक्स स्टेटस वीडियो हम क्रिएट करेंगे। इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यार, अभी के समय में इस टाइप का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो से इस टाइप का वीडियो को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज यार लाइक कर लेना, साथ में चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जो बोलने बेल आइकन ऑल कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। सो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार, वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ड्यूअल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक है तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो, फोटो एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक है तो जिस फोटो के ऊपर आपको वीडियो क्रिएट करना है उस फोटो को यहाँ पर सबसे पहले ऐड कर लेना है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो इस तरह से फोटो को आपको भी ऐड कर लेने। ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना है, फोटो के ऊपर क्लिक करना है और फोटो का रेशियो सबसे पहले आपको चेंज करना है। तो फोटो का रेशियो चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कन्वर्स लाइक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको बहुत सारा रेशियो देखने को मिल जाएगा नीचे में। तो आपको 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करके ये जो एरो मिलेगा आपको इस तरह से 50 का लेना है। फोटो को इस तरह से आपको सेट करके टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। तो मेरा जो फोटो है यहाँ पे 9:16 वाले जैसे में कन्वर्ट हो चुका है। एंड अब क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करना है एंड इसका जो ड्यूरेशन आपको लॉन्ग करना है। तो लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, ड्यूरेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके पेंसिल आइकन में जाना है। और यहाँ पर आपको जितना सेकंड या फिर जितना मिनट में वीडियो क्रिएट करना है उतना सेकंड मिनट के ड्यूरेशन को कर लेना है। तो डेमो के लिए हम 15 सेकंड का क्रिएट कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। देन ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। तो मेरा फोटो का ड्यूरेशन यहाँ पे 15 सेकंड का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद अब क्या करना, वीडियो के एकदम फर्स्ट पे आना है। आने के बाद फोटो में हल्का सा आपको एडजस्टमेंट कर लेना है और यहाँ पे फोटो में हल्का सा आपको ब्लर ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके फिल्टर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। ऊपर में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पे आपको स्टाइल वाला एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं स्टाइल वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक नीचे में बहुत सारा आपको इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पे आपको देख सकते हो ब्लर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं फोटो में यहाँ पे ब्लर ऐड हो चुका है। जितना आपको ब्लर रखना है फोटो में उतना आप रख सकते हो। तो मैं हल्का सा रखता हूँ इस तरह से, देन यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। देख सकते हो कुछ इस तरह से फोटो में ब्लर ऐड हो चुका है। ब्लर का ड्यूरेशन कुछ इस तरह से आपको लॉन्ग कर लेना है। करेंगे जस्ट बगल में यहाँ पे एडजस्टेबल ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक है तो यहाँ पे सबसे पहले लाइटनेस को घटा लेना है, हल्का सा सैचुरेशन को हल्का सा आपको बढ़ा लेना है। तो देख सकते हो फोटो में कुछ इस तरह से कलरफुल ऐड हो चुका है। करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। अगेन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है, ठीक है। एंड अब क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके PIP वाला एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक है तो यहाँ पे आपको वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आपको ये ग्रीन एंड ब्लू वाला वीडियो को ऐड कर लेनी है, टेम्पलेट वीडियो को। देन फुल स्क्रीन पर करना है। देन आपको क्या करना है, ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पे आपको क्रोमा वाला एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो क्रोमा वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये जो गोल या सर्कल है आपको ये ब्लू कलर के ऊपर इस तरह से लेकर चल जाना है। और नीचे में स्ट्रेंथ वाला ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रेंथ को एकदम 100 कर लेना है। देन टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। अगर आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। तो यार देख सकते हो मेरा जो पहला स्टेप है यहाँ पे वीडियो का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करना, वीडियो को सबसे पहले सेव कर लेना। तो ऊपर में सेव ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और वीडियो को सेव कर लेना है। तो वीडियो जैसे मेरा सेव हो जाता है तो मेरा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को सेव कर लेते हैं। तो देख सकते हो मेरा जो वीडियो है यहाँ पे सेव हो चुका है। सेव होने के बाद अब क्या करना, यहाँ पे होम वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को होम पेज में आ जाना है। आने के बाद अगर आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लिक है तो यहाँ पे आपको न्यू वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ये ब्लैक ब्लैंक इमेज को यहाँ पर ऐड कर लेना है, कुछ इस तरह से ब्लैक इमेज को, ओके। देन इसका भी ड्यूरेशन आपको इस तरह से ड्यूरेशन वाला ऑप्शन में जाकर 15 सेकंड में कर लेना है। देन ओके वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक करें। तो ड्यूरेशन जो है मेरा 15 सेकंड का हो जाएगा। देन वीडियो को एकदम फास्ट पे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको PIP वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक है तो अभी जो वीडियो हम सेव किए थे उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है, कुछ इस तरह से। देख सकते हो मेरा वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुका है। फुल स्क्रीन पर करना है। देन आपको अगर आपको यहाँ पे PIP प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको फोटो वाला ऑप्शन जाकर और आपको सेकंड फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है।
देख सकते हो मेरा सेकंड फोटो ऐड हो चुका है। सेकंड फोटो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन पर करना है कुछ इस तरह से, देन सेकंड फोटो का ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग करके नीचे में जो वीडियो ऐड किए थे उस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, और ऊपर में टूल्स मिलेगा थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पे आपको क्रोमा वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये जो गोल या सर्कल है ये ग्रीन कलर के ऊपर इस तरह से लेकर चल जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। और नीचे में जो स्ट्रेंथ है एकदम 100 कर लेना है, देन टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। देख सकते हो मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। होने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो के एकदम फर्स्ट पे आना है, आने के बाद यहाँ पे आपको पीआरपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक है तो अब आपको वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है, और आपको ये देख सकते हो म्यूजिक बार टेम्पलेट वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेने, और आपको हल्का सा आपको बड़ा कर लेने, और नीचे में यहाँ पर सेट कर लेने, और ऊपर में टूल्स मिलेगा थोड़ा सा स्लाइड करके ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रीन मोड पे कर लेने। देख सकते हो मेरा कुछ इस तरह से ऐड हो चुका है। एंड यार इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज हो रहा है सबका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर होगा, इजीली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड अब क्या करना, आपको ऊपर में लिरिक्स वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेने। तो यार आपको जिस सॉन्ग के ऊपर लिरिक्स वीडियो चाहिए यूट्यूब पर जाना है, वहां पर आपको सर्च करना है, बहुत सारा आपको मिल जाएगा, जो पसंद है वो सॉन्ग के ऊपर आपको लिरिक्स वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना डाउनलोड करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिरिक्स वीडियो को ऐड कर रहा हूँ, तो पीआरपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, वीडियो वाला ऑप्शन जाकर आपको ये लिरिक्स वीडियो को ऐड मैं ऐड कर रहा हूँ, देन ऊपर में टूल्स मिलेगा थोड़ा सा स्लाइड करके ब्लेंड वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके स्क्रीन मोड में कर लेने। तो हम देख सकते हैं लिरिक्स वीडियो जो है मेरा ऐड हो चुका है, देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। सो यार मेरा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है, तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यार देख सकते हो कुछ इस तरह से वीडियो बन के रेडी हो चुका है। सो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार लाइक भी कर लेना। एंड अभी क्या करना है, वीडियो को सेव करना है, सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, फेवरेट है इसको सेक्शन करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव कर लेना। तो मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।